इधर सवालों से घिरे मौलाना की टाइम्स नाम नवभारत पर सफाई भी सामने आई। अलीदात खान ने हमेशा धर्म के खिलाफ काम किया, ये मौलाना साहब कह रहे हैं। अलीदात खान के परिवार का बहिष्कार एक निजी मसला है। हालांकि ये निजी मसला कैसे हो सकता है? मौलाना साहब खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, लोगों को भी कह रहे हैं कि आप समाज से बहिष्कार कर दीजिए, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये निजी मामला है। किसी का जन्म और मृत्यु दो ऐसी चीजें जिस पर सिर्फ भगवान का अधिकार है, लेकिन ऐसे वक्त में लोग पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ रखते हैं। लेकिन मौलाना साहब से जब पूछा गया कि उन्होंने जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो उस पर वो क्या तर्क देते हैं, जरा सुनिए। मुरादाबाद के कुंदरकी में एक अलीदात खान एक इनका इंतकाल हुआ है, उसको लेकर के थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी है। हम इस समय यहाँ मुरादाबाद की जो मस्जिद है उनके इमाम हमारे साथ हैं। इमाम साहब, क्या नाम है आपका, पूरा बताइए। मुफ्ती मोहम्मद राशिद। मुफ्ती साहब, एक इंतकाल हुआ 23 तारीख में, उसकी नमाज को पढ़ाने के लिए इंतकाल नमाज पढ़ाने कुछ विवाद हुआ है, क्या विवाद है? विवाद कुछ नहीं था, वो नमाज का मसला ये रहता है कि जो घर का सदस्य होता है वही नमाज पढ़ाए। अच्छा। नमाज जनाजा जो घर का व्यक्ति कोई भी हो, तो यही हुआ कि जिनका इंतकाल हुआ उनके बेटे का जो साले साहब थे उन्होंने नमाज पढ़ाई। अच्छा। इसमें तो मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तो यहाँ नमाज पढ़ाता हूँ। ठीक है। नमाज यही हुई थी कि जो सामने सहन दिख रहा आपको, इसी सहन में नमाज हुई थी, दफन भी है उस पे थे वो पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा तो इसमें कोई जाती मामला नहीं, नहीं, नहीं हम ये नहीं कह जाते मामला। ये एक है ऐसा इनके जहन में ये था कि मतलब मौल साहब ने नमाज नहीं पढ़ाई। अच्छा। जो यहाँ SSP और DM को जो एक कम्प्लेन की गई है उसमें लिखा गया है कि चूंकि जो मरने वाले हैं उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका परिवार का बायकॉट किया गया समाज के द्वारा। हम उसकी तहकीकात करने के लिए आए। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ कुंदरकी कस्बे में आप किसी से भी मसला पूछ सकते हैं। सब जानते हैं कि ये तो हमारा तो कोई ताल्लुक है नहीं सियासत से। हमने तो आज तक किसी को ये भी नहीं कहा कि फलां पार्टी को आप वोट दीजिए। भाई हम